नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश शर्मा, EHMS। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का सवाल है, बवासीर के लक्षण और उपचार बताएं। तो बवासीर मेनली दो तरह की हो सकती है, खूनी बवासीर भी हो सकती है, उपाधि वाली बवासीर भी हो सकती है। आंतों में सूजन के कारण मेनली मस से बाहर आ जाते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, जलन होती है, चुभन होती है और बहुत तेज दर्द होता है। ये बादी वाली बवासीर होती है। और कई बार मसों में से खून आता है, चाहे ड्रॉप ड्रॉप कर कर या पिचकारी की तरह, वो खूनी बवासीर कहलाती है। खूनी बवासीर में भी दर्द होता है, खुजली होती है, जलन होती है। तो बवासीर की शिकायत मेनली कब्ज रहने के कारण हो सकती है, प्रॉपर कब्ज रहने से, या गलत खान पान की वजह से हो सकती है। बहुत ज़्यादा तली पली चीज़ें खाना, बाहर का खाना खाना, फास्ट फूड ज़्यादा लेना या मैदे की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करना, पानी कम पीने की वजह से भी बवासीर हो सकती है। बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने के कारण भी आंतों में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से मस्से बाहर आ जाते हैं। तो बवासीर के लिए आज बहुत ही बढ़िया एक होम्योपैथिक दवा मैं आपको बता रहा हूँ। दवा का नाम है डॉक्टर पायरो प्लस BC17। ये दवा टैक्टिस इंडिया का गवर्नमेंट अप्रूव फॉर्मूलेशन है और कॉम्बो पैक में रहती है। इसमें दो तरह का दवा रहता है, पीने के लिए डॉक्टर पायरो ड्रॉप्स, जिसकी 20-20 बूंद दवा की एक कप पानी के अंदर मिलाकर दिन में 4 बार पीना होता है, और इसके साथ बायोकेमिक नंबर 17 की टैबलेट होती है, जो 4-4 गोली दिन में 3 बार चूसनी होती है। दवा दोनों तरह की बवासीर में काम करती है, खूनी बवासीर हो चाहे बादी वाली बवासीर हो। दवा को बीमारी के आधार पर कम से कम 2-3 महीना जरूर लेना चाहिए। दवा के साथ खुशबू वाली चीज़ें नहीं लेनी है, जैसे कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, इलायची, सौंफ, हींग, कॉफ़ी या बहुत ज़्यादा तेज मिर्च मसाला, तली फली चीज़ें ना लें। अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट www.axis.in या कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर भी नोट कर सकते हैं, 8285742000। और आप लोगों की सुविधा के लिए कंपनी का लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट में भी दे रहा हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक